सवालों से क्यों भागते हैं भारतीय जनता पार्टी नेता? दोस्तों, अब यह देश के अंदर मुहिम बन गई है। स्थानीय पत्रकार वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, डिजिटल पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और भाजपा के नेता भाग रहे हैं, उल्टे पांव भाग रहे हैं। दोस्तों, ताजा मिसाल आई है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जतिन प्रसादा की। जतिन प्रसादा से यह सवाल पूछा गया कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो सड़कों का बुरा हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आगे उनसे यह भी पूछा गया कि यह बताइए कि जो लोग खराब सड़कों की फोटो डाल रहे हैं उनके खिलाफ FIR क्यों हो रहा है। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। देखिए, यहां दिक्कत दो किस्म की है दोस्तों। पहली दिक्कत, खराब सड़कों को लेकर जवाबदेही मंत्री महोदय की है, जिसका मंत्रालय है उसको लेकर है, मगर मंत्री महोदय उसका जवाब नहीं देना चाहते, नंबर एक। नंबर दो, जो सवाल पत्रकार उठा रहे हैं कि जो लोग खराब सड़कों की फोटो डाल रहे हैं उनके खिलाफ FIR हो रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना सूरी। पत्रकारों के इन सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, लोगों तक हकीकत पहुंचाने के लिए। क्या इस तरह से मंत्री भागते फिरेंगे जिनसे सवाल किया जाएगा? कितनी शर्मनाक तस्वीर है दोस्तों। और ये जो सो कॉल्ड युवा नेता हैं, कुछ दिनों पहले तक 10 जनपद के सामने दंडवत होते थे, राहुल गांधी की चाटुकारिता करते थे, अब यहां देखिए दोस्तों, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। और वो सवाल बिल्कुल सटीक है। वो सवाल क्या है दोस्तों, कि सड़कें खराब क्यों हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग खराब सड़कों को लेकर तस्वीरें डाल रहे हैं उनके खिलाफ FIR क्यों? सवाल होगा, जवाब मांगा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, दो दिन पहले की बात है, iNews की एक पत्रकार ने मीनाक्षी लेखी से हमारी पहलवानों के बारे में सवाल पूछा था और वो किस तरह से भागती हुई नजर आई थी। वो वीडियो आप में से अधिकतर लोग देख चुके होंगे, मगर मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें, क्योंकि यह मुद्दा जो है अब तमाम जगहों पर वायरल हो रहा है। डिजिटल पत्रकार जो सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सत्ता पर बैठे लोगों से सवाल कर रहे हैं और इसी तरह से भागते फिर रहे हैं। जतिन प्रसादा की मिसाल आप देख चुके हैं, आइए देखते हैं मीनाक्षी लेखी। मैम रेसलर्स बैठे, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल, मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप महिला सांसद हो। मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि प्रचार तंत्र ये बतलाने में लगा हुआ है कि दरअसल बारिश हो रही है इसीलिए मीनाक्षी लेखी भाग रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलिए मान लिया बारिश हो रही है, कोई नहीं भीगना चाहता, तो जब वो कार के अंदर बैठी तब आपने आखिरी लम्हों में देखा था किस तरह से उन्होंने दरवाजा बंद किया? वो रिपोर्टर माइक से सवाल पूछना चाहती थी, बेरुखी से मीनाक्षी लेखी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये बौखलाहट है सरल सीधे सवालों की। प्रॉब्लम ये हो गई है भाजपा नेताओं को कि इनके अंदर सवालों को सामना करने की हिम्मत नहीं रही है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दे रही थी स्मृति ईरानी,
उनसे सवाल पूछा गया हमारी महिला पहलवानों के बारे में। स्मृति ईरानी ने दो बातें कही जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और ये बहुत ही शर्मनाक है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पहले वो कहती हैं, क्या बबीता फोगाट उनके साथ बैठती जिन्होंने उनके परिवार का शोषण किया था? इसका मैं जवाब दूंगा, मगर दूसरे पहलू पर गौर करें। जब जांच चल रही हो तो उस जांच में हस्तक्षेप करके महिला के खिलाफ ही जाना एक पद्धति बन गया है जो मैं नहीं करना चाहती। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चले, इसी में महिला की मदद हो सकती है। यहां पर माननीय स्मृति ईरानी क्या बोल रही है मैं आपको बताता हूं। वो कह रही है कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो उस महिला की मदद नहीं होगी, मामला उसके खिलाफ चले जाएगा। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या? स्मृति जी, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या उत्पीड़क और जो पीड़ित है, यानी अत्याचार करने वाला और जिस पर अत्याचार हुआ है, क्या उनमें बराबरी हो सकती है? क्या उनमें बैलेंस बनाया जाएगा? बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में खामोश रही मोहतरमा, एक शब्द नहीं कहा इन्होंने, एक शब्द नहीं कहा दोस्तों। जब उस व्यक्ति को सजा हो गई तब भी एक शब्द नहीं कहा। याद कीजिएगा, स्वामी चिन्मयानंद के वो वीडियो सामने उभर कर आए थे, भाजपा के नेता स्वामी चिन्मयानंद, जिसमें वो लड़कियों के साथ, महिला नहीं, लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए थे, उस पर भी एक शब्द नहीं बोला। आज जो आप बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं ना, मैं उसे बैलेंस नहीं स्मृति जी, उसे मैं कायरता कहता हूं। ये कायरता है और उसके अलावा कुछ नहीं। मुद्दे पर आइए, जो पीड़ित है उसके साथ खड़े होइए। और आप ये कहती हैं कि बबीता फोगाट क्या उन लोगों के साथ खड़ी होती जो उनके परिवार के खिलाफ होता, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बबीता फोगाट तो भाजपा की नेता है ना, उनका आपके साथ खड़े होना मजबूरी है। मगर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, ये दोनों हमारी महिला खिलाड़ियों के पक्ष में खड़े हुए थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? या अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा दोनों देशद्रोही हैं, किसी इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा हैं, जैसा कि आप अक्सर कहती हैं? और सबसे शॉकिंग है स्मृति ईरानी का राहुल गांधी के साथ ऑब्सेशन। हर मुद्दे पर राहुल गांधी की चर्चा, हर मुद्दे पर राहुल गांधी का जिक्र। मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ ये दोस्तों, कि कांग्रेस ने ये ट्वीट किया और ये ट्वीट ये कह रहा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी गायब हैं। अक्सर ऐसा करते हैं, जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष के सांसदों के बारे में अक्सर करता है। मगर राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी इस कदर ऑब्सेस्ड हैं, इस कदर जुनून है कि उन्होंने क्या जवाब दिया इसका खुद देखिए। कहती हैं, हे दिव्य राजनीतिक प्राणी, मैं अभी सिरसिरा गांव विधानसभा सलून लोकसभा अमेठी से निकली हूं धूरनपुर की ओर। अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हो तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। पूर्व सांसद यानी राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी का जिक्र किए बगैर स्मृति ईरानी रह नहीं सकती। और वो राहुल गांधी आज की तारीख में अमेरिका की जमीन पर लगातार सवाल करके मोदी सरकार के बारे में, उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। ये देखिए, अनुराग ठाकुर इसे देश का अपमान बता रहे हैं, किरण रिजिजू देश का अपमान, यानी कि एक किस्म का टूलकिट निकल पड़ा है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेसिमेन बताते हैं, जिसका अनुवाद अमित मालवीय ने नमूना किया था, हालांकि राहुल गांधी ने नमूना नहीं कहा था, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं तो बीजेपी के मुताबिक ये देश का अपमान हो जाता है। अरे भाई, अगर एक विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है तो यह देश का अपमान नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, यह विपक्ष का फर्ज है। सबसे बड़ी बात, मोदी इज नॉट इक्वल टू इंडिया। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना की जा सकती है, मोदी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। इन लोगों ने याद दिला दी दोस्तों, 70 के दशक में
एक सज्जन हुआ करते थे जिनका नाम था देवकांत बरुआ। देवकांत बरुआ ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी इंदिरा गांधी भारत हैं और भारत इंदिरा गांधी। वहां तो सिर्फ एक देवकांत बरुआ थे, यहां तो पूरे देवकांत बरुओं की फौज बनी हुई है दोस्तों। क्या रिजिजू, क्या अनुराग ठाकुर, क्या स्मृति ईरानी और क्या पापा की परियां और गुल्लू और कालू मीडिया के भरे हुए देवकांत बरुआ। चाटुकारिता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी मुद्दे पर बने हुए हैं और उनके बयानात से बुरी तरह से बौखलाई हुई है बीजेपी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये प्रधानमंत्री ही तो थे ना जो विदेशी जमीन पर जाकर कहते थे कि एक जमाना था भारत के बारे में हम कहते थे कहां आ गए, कहां फंस गए। अब जो काम आप करते थे, अब अगर राहुल गांधी वही बात करने लगे हैं, हालांकि उन्होंने देश की आलोचना नहीं की है, उन्होंने मौजूदा भारत की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत जो भारत है जिसके प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी आलोचना कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि भाजपा के नेताओं को सवालों के जवाब देने होंगे। वो भूल गए हैं कि दिल्ली में तो आप सवालों से बच सकते हैं, हालांकि मीनाक्षी लेखी भाग रही थी, फिर भी दिल्ली में तो गोदी मीडिया है, मगर इसी दिल्ली के अंदर डिजिटल मीडिया मजबूत हो रहा है। वो जो सवाल करते हैं, और ये पत्रकार जो हैं दोस्तों देश के छोटे छोटे कस्बों में हैं, इनके हाथ में माइक है और दिल में जुनून है, और उस जुनून के साथ सत्ता पे बैठे ताकतवर लोगों से वो सवाल कर रहे हैं। भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि इनका सामना कैसे करें। इसीलिए आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर सामने उभर कर आई थी, जहां एक पत्रकार एक मंत्री से, योगी सरकार के एक मंत्री से सवाल कर रहा था और उसे जेल भेज दिया गया था। यह भी हकीकत है, मगर इस डर के बावजूद वो लोग सवाल कर रहे हैं। आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे कई मौके आने वाले हैं जब मंत्रियों को सवालों के जवाब ही नहीं देने आएंगे, क्योंकि अंदर से खोखले हो गए हैं। सवालों का कैसे जवाब दिया जाए ये ही भूल गए हैं ये लोग। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।